हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पेन कलर में डोरमेट लेके आए हैं। ये हम ऊन से बनाएंगे। अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाना चाहें तो पुरानी साड़ी या चुन्नी मैक्रम से भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे ऊन से बनाऊंगी। उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर तीन कलर की ऊन ले ली है, ये येलो, ग्रीन और वाइट, तीन कलर में ले लिया। आपके पास जो भी तीन कलर हैं आप वही तीन कलर यूज करें। तो उसके लिए देखिए, हम यहाँ पर फंदे डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 16 फंदे हम येलो कलर से डालेंगे। इस तरह से एक नोट बनाएंगे, ऐसे ये ऐसे एक नोट बनाया इस तरह से देखिए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फंदे डाल लेंगे, ये दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह और ये 16। देखिए 16 फंदे हमने डाल लिए हैं। यहाँ पर 16 फंदे हमें येलो कलर से डाले हैं और 16 फंदे हम वाइट कलर से डालेंगे। तो चलिए मैं वाइट कलर से 16 फंदे डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने 16 फंदे वाइट कलर से भी डाल लिए हैं और 16 फंदे, ये 32 फंदे से बन के आएगा हमारा डोरमेट। तो इसे बनाने के लिए देखिए, हम ये फर्स्ट रो से ही डिजाइन शुरू करेंगे। यहाँ पर हम दो फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरह से धागा लगाएंगे, ऐसे ऐसे, और इस धागे को साथ में ले लेंगे, ऐसे ऐसे, और इस वाइट को इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए दो फंदे हमने ग्रीन कलर से बनाए, अब दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। और इस जो ये छोटे हमारे धागे हैं, इन धागों को इस तरह से देखिए साथ में ले लेंगे, ऐसे और ऐसे बना लेंगे। दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे, ये देखिए दो, दो फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से, और इस धागे को इस तरह से साथ में ले लेंगे, जो ये हमारे छोटे धागे हैं, ऐसे। देखिए दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। देखिए दो ग्रीन से बनाए, दो वाइट, दो ग्रीन, दो वाइट, फिर दो ग्रीन से बनाएंगे, दो फंदे ग्रीन से बनाए, फिर दो फंदे वाइट से बनाएंगे, ऐसे। फिर देखिए दो फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे, ऐसे। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर दो, दो चार, दो, देखिए ये दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, 14 फंदे हमने डिजाइन के बना लिए हैं इस तरह से। ये जो दो फंदे हैं इस तरह से देखिए, धागा आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे, और ये दो फंदे जो वाइट हैं ये हम येलो कलर से बना लेंगे ऐसे इस तरह से। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर क्रॉस करवाते हुए बनाइएगा। अब देखिए बाकी सभी फंदे हम येलो कलर से बना लेंगे, और जो ये है इसे इस तरह से
उनको दबाते हुए चलेंगे ऐसे, इसे साथ में ऐसे ले लेंगे ताकि हमारा डोरमेट अच्छे से सफाई के साथ बन के आए। इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे दबा लेंगे इसे। ऐसे दबाते हुए देखिए और लास्ट के दो फंदे ये वाले हम छोड़ देंगे। लास्ट के दो फंदे छोड़े और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस तरह से इस येलो फंदे को ऐसे ही उतारेंगे ऐसे, और देखिए बाकी सभी फंदे सीधी रो में जो फंदे जैसे कलर से हैं वैसे ही बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। येलो फंदे येलो कलर से बनाएंगे, ग्रीन फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे, वाइट फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। सीधी रो में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। ये देखिएगा अब हम येलो को पीछे की तरफ लेके जाएंगे धागे को और ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इस फंदे को क्रॉस करवाते हुए आगे की तरफ लेके आइएगा ऐसे। देखिए अब दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, धागे को फिर से पीछे की तरफ करेंगे और वाइट धागे को आगे की तरफ लेके आएंगे और दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। वाइट धागा पीछे किया, ग्रीन आगे लेके आएंगे ऐसे। फिर देखिए ग्रीन को पीछे की तरफ करेंगे और वाइट धागे को आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे, और ये दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। फिर वाइट को पीछे की तरफ और ग्रीन को आगे की तरफ इसे क्रॉस करवाते हुए बनाइएगा आप, वरना आपका इसमें यहाँ पर देखिए होल बन के आएगा। अब देखिए इसे आगे की तरफ लेके आएंगे वाइट को और दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे। इस फंदे को देखिए आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे ऐसे। सीधा बनाने से इस तरह से हमारे जो है डोरमेट में सफाई से बन के आएगा। अब देखिए उल्टी रो में जो दो ग्रीन फंदे हैं उन फंदों को हम वाइट कलर से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे ऐसे, और जो दो फंदे वाइट कलर के हैं इन फंदों को हम ग्रीन कलर से बनाएंगे ऐसे। फिर से देखिए ग्रीन वाले वाइट से बनाएंगे और वाइट वाले ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर जो दो फंदे ग्रीन वाले हैं इन फंदों को हम येलो कलर से बना लेंगे। आगे की साइड दो दो फंदे हम येलो कलर से बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे हम ऐसे बना लेंगे और बाकी सभी फंदे येलो कलर से बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए दो फंदे हमने पिछली रो में छोड़े, दो फंदे अब की बार छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे।
सीधी सिलाई में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो जैसे कलर के फंदे हैं उन फंदों को वैसे ही बना लेंगे। तो चलिए सीधी रो बनाने के बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर उल्टी रो में हमें दो फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे, जो फंदे वाइट कलर से थे उन फंदों को ग्रीन कलर से बना लेंगे, जो फंदे ग्रीन कलर से थे उन फंदों को वाइट कलर से बना लेंगे ऐसे। जो वाइट से हैं उनको ग्रीन से बनाएंगे, जो ये दो फंदे हैं इन फंदों को देखिए यहाँ पर हम येलो कलर से बना लेंगे। ये देखिए, उल्टी रो में हर बार हमें दो फंदे इस साइड से येलो बनाते हुए जाना है और बाकी सभी फंदे देखिए येलो कलर से बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। ऐसे ही बनाते हुए देखिए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए दो फंदे थे और दो फंदे अब की बार छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उन फंदों को वैसे ही बना लेंगे। सीधी सिलाई में हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम धागा अपनी तरफ पलटेंगे तो क्रॉस करवाते हुए पलटेंगे ऐसे। देखिए इस येलो कलर के सभी फंदे येलो कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरह से दो दो फंदे हमें पीछे की साइड छोड़ते हुए जाना है और दो दो फंदे इस साइड बड़ा येलो कलर के। अब दो फंदे हम अगली रो में उल्टी रो में ये दो फंदे इस तरह से हम लास्ट तक दो दो फंदे बनाते हुए येलो कलर से बना लेंगे। अब देखिए येलो धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस करवाते हुए इसे आगे की तरफ और इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे ऐसे। और जो फंदे जिस कलर से हैं उन फंदों को उसी कलर से बना लेंगे ऐसे। देखिए अब वाइट को आगे की तरफ लेके आएंगे, दो फंदे वाइट कलर से बना लेंगे। ग्रीन को आगे लेके आएंगे, दो फंदे ग्रीन कलर से बना लेंगे। वाइट आगे की तरफ लेके आएंगे, दो फंदे वाइट कलर से बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए देखिए हमें इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस फंदे को देखिए आगे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे। इस तरह से देखिए हमारा ये जो है किनारी फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। अब देखिए उल्टी रो में हमें ऐसे ही जहाँ पर हमने अब ग्रीन से बनाए थे इन फंदों को हम वाइट कलर से बना लेंगे। दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे, जो वाइट कलर के फंदे हैं वे फंदे हम ग्रीन कलर से बना लेंगे ऐसे। ग्रीन वाले वाइट से बनाएंगे, चेंज करते हुए सभी उल्टी रो में हमें इन फंदों को चेंज करना है। सीधी सिलाई में हमें इन्हें जो जैसे कलर से है वैसे ही कलर से बनाना है। देखिए दो फंदे हम अब की बार येलो कलर से बना लेंगे, दो दो फंदे इस साइड बनाते हुए जैसे हमने दो फंदे इस साइड देखिए यहाँ पे यहाँ तक लास्ट तक दो दो फंदे येलो कलर से बना लेंगे जैसे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी कली का जो है डिजाइन बन के आएगा और दो फंदे लास्ट में हम छोड़ देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए मैं यहाँ पर लास्ट तक येलो कलर के फंदे लेके आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी यहाँ पर हाफ कली बन के आ गई है। इसी तरह से हमने यहाँ पर सभी फंदे येलो कलर से बना लिए हैं दो दो करते हुए। अब देखिए
जिस तरह से हमने यहाँ पर दो दो फंदे इस साइड लिए, अब हम दो दो फंदे अंदर की साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर हम दो फंदे ग्रीन कलर से बना लेंगे। दो फंदे ग्रीन कलर से बनाए, बाकी सभी फंदे हम येलो कलर से बना लेंगे। और देखिए, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, जो सोलह फंदे हमने छोड़े थे उनमें से हम दो दो फंदे साथ में ले लेंगे। और वापस यहीं से पलट जाएंगे। दो फंदे लेने के बाद यहाँ से पलटेंगे इस तरह से, देखिए, और सीधी रो में जो फंदे जिस कलर के हैं वैसे ही बना लेंगे। देखिए, सभी फंदे येलो कलर से बना लेंगे। जो दो फंदे ग्रीन कलर से हैं उन फंदों को ग्रीन कलर से बना लेंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से। यहाँ देखिए, जो दो ग्रीन कलर के फंदे हैं उन्हें हम वाइट कलर से बनाएंगे। और दो फंदे यहाँ से ग्रीन कलर से बना लेंगे और बाकी सभी फंदे येलो कलर से बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे हम फिर से साथ में ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर गैपिंग को भरने के लिए हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और दो का एक बना देंगे ऐसे, और एक फंदा आगे से ले लेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे और सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। ऐसे देखिए, धागा पीछे की तरफ करेंगे और दो फंदे ग्रीन कलर से बना लेंगे। ये देखिए, उल्टी साइड हमें जो फंदे व्हाइट से हैं उन फंदों को ग्रीन कलर से बनाएंगे ऐसे, और जो ग्रीन कलर से हैं उन फंदों को व्हाइट कलर से बनाएंगे ऐसे। दो फंदे आगे की साइड ग्रीन कलर से बना लेंगे ऐसे, देखिए, और बाकी सभी फंदे येलो कलर से बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने फंदे ऐसे घटाने शुरू किए थे, यहाँ पर हम इस साइड अंदर की साइड बढ़ाना शुरू करेंगे इस डिजाइन को। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारी ये अंदर की साइड बढ़ते चले जाएंगे। तो येलो कलर के फंदे
येलो कलर से बना लेंगे। ये दो फंदे आगे से ले लेंगे। देखिए यहाँ पर गैपिंग है, गैपिंग के लिए हम यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस तरह दो का एक बना लेंगे और सभी फंदे बना लेंगे। वापस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी रो में हमें जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेना है। सीधी रो में कोई भी चेंज नहीं करना। ये देखिए जो येलो फंदे हैं उन्हें येलो कलर से बनाएंगे, जो ग्रीन कलर से हैं उन फंदों को ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये देखिए येलो धागा पीछे की तरफ करेंगे और ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से। देखिए ये दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसे क्रॉस करवाते हुए लेके आइएगा। अब देखिए ग्रीन को पीछे करेंगे और वाइट को आगे करेंगे ऐसे इस तरह से, और दो फंदे वाइट कलर से बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ग्रीन धागा आगे करेंगे और दो फंदे ग्रीन कलर से बना। देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए हमारी किनारी बन के आएगी। यहाँ पर देखिए अब दो फंदे हम वाइट कलर से बना लेंगे। ये दो फंदे वाइट कलर से बनाए, दो फंदे व्हाइट वाले ग्रीन कलर से बना लेंगे, ग्रीन वाले व्हाइट कलर से बना लेंगे ऐसे, और येलो दो फंदे ग्रीन कलर से बना लेंगे। अंदर की साइड दो दो फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे और बाकी सभी फंदे येलो कलर से बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे साथ में ले लेंगे। जब हमें ये बनाना शुरू किया था तो हम दो दो फंदे छोड़ते हुए गए थे जब इस कली को बनाया। अब हमें दो दो फंदे साथ में लेके हुए लेते हुए बनाना है इसे। ये देखिए इस तरह से, देखिए दो फंदे ले लेंगे। अगर गैपिंग है तो आप एक फंदा यहाँ से उठाएं इस तरह से और यहाँ पर दो का एक बना लें ऐसे, और अगर गैपिंग नहीं आ रही है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए वापस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी रो में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। देखिए येलो धागा पीछे की तरफ करेंगे और ग्रीन आगे की तरफ करेंगे। इससे सीधी रो में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए और इस साइड अंदर की साइड बढ़ाते हुए देखिए, मैं थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा यहाँ पर हम जो व्हाइट फंदे हैं उन फंदों को ग्रीन कलर से बना लेंगे,
इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उल्टी सिलाई में हमें फंदे चेंज करने हैं। और यहाँ पर देखिए, जो ये हम धागा छोड़ रहे हैं, इस धागे को हमें थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए जाना है, वरना हमारा यहाँ पर देखिए खिंचाई होके और इस तरह से हमारा डिजाइन नहीं बन के आएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। अगर आप इसे टाइट करेंगे इस फंदे को, तो आपका यहाँ पर इस तरह से नहीं बन के आएगा। आप इस चीज का ध्यान रखें और क्रॉस करवाते हुए आगे इस फंदे को लेके जाएं। देखिए व्हाइट फंदे हैं, उनको ग्रीन कलर से बना लेंगे, और ग्रीन वाले जो फंदे हैं उन फंदों को व्हाइट कलर से बना लेंगे ऐसे, और दो फंदे इस साइड यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ग्रीन कलर से बनाते हुए जाएंगे। देखिए दो फंदे हमें उल्टी सिलाई में इस साइड बनाते हुए जाना है। यहाँ पर देखिए हमारे दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, यहाँ पर भी हमने 14 फंदे लिए थे और यहाँ पर भी हमारे अब 14 फंदे बन गए हैं। तो अब दो दो फंदे हमें पीछे से इसके साथ मिलाकर चलना है। जब हमने कली बनाना शुरू किया था तो दो दो फंदे हमें छोड़ते हुए जाना था, दो दो फंदे हमें पीछे की साइड छोड़ दिए थे, और इस साइड दो दो फंदे हमें यहाँ पर देखिए घटाए थे। या जैसे हमने यहाँ पर 14 फंदे लिए थे, दो फंदे यहाँ पर घटे, 12, इस तरह से यहाँ पर घटाते हुए जाना था, और यहाँ पर अंदर की साइड फंदे बढ़ाते हुए गए। तो इस तरह से देखिए, आप अगर इस मैट को बनाएंगे तो आपका मैट परफेक्ट बन के आएगा, इसमें आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे देखिए यहाँ पर हम दो फंदे फिर से ले लेंगे पीछे वाले, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे गैप को भरने के लिए, देखिए दो का एक बना देंगे, और जो ये फंदा है इसे साथ में बना लेंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। और देखिए सीधी रो में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधी रो ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स देखिए, आपको मेरे वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। देखिए अब हम आगे की तरफ ग्रीन को लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए इस चीज का आप ध्यान रखें कि इसे क्रॉस करवाते हुए आगे की तरफ लेके आइएगा इस तरह से। अब ग्रीन को पीछे की तरफ करेंगे और व्हाइट को आगे की तरफ करेंगे, और दो फंदे व्हाइट कलर से बना लेंगे इस तरह से। सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है हमें उसी कलर से बनाना है, इन फंदों को हमें उल्टी सिलाई में चेंज करना है। देखिए फिर पीछे की साइड लेके जाएंगे ऐसे इस तरह से। यहाँ पर देखिए दो फंदे ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर के थे, जो फंदे व्हाइट कलर से हैं उन फंदों को व्हाइट कलर से। सीधी सिलाई में हमें चेंज नहीं करना है, सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। अब देखिए धागा आगे की तरफ लेके आएंगे और दो फंदे लास्ट वाले फंदे को हमें सीधा बनाना है इस तरह से, ताकि हमारी किनारी ऐसे बन के आए। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 16 फंदे व्हाइट कलर से बनाए थे और 16 फंदे येलो कलर से बनाए थे, उसी तरह से हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। ये जो 16 फंदे हैं इन फंदों को हम व्हाइट कलर से बना लेंगे। ये देखिएगा, एक, दो, तीन, और इस ग्रीन को टाइट कर लेंगे, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ,
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और दो फंदे आगे से लेंगे, पंद्रह और ये सोलह। सोलह फंदे हमने व्हाइट कलर से बना लिए हैं। जिस तरह से हमने कली को स्टार्ट किया था उसी तरह से हम यहाँ पर फिर से दोबारा से, अब यहाँ से हमारी इस रो को बनाने के बाद दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी जैसे हमने इस कली को स्टार्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर हम पीछे की साइड 16 फंदे येलो कलर से बना लेंगे ऐसे। इस तरह से देखिए 16 फंदे हम येलो कलर से बना लेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर गैपिंग को भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दो फंदे जो ये लास्ट के हमारे बचे हुए हैं इन फंदों को भी साथ में बना लेंगे ऐसे। इस तरह से बनाएंगे देखिए। ऐसे बना लेंगे देखिए। ये कली हमारी इस तरह से एक कली बनके आई है। देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने इस कली को बनाया है इसी तरह से हमें पूरा मैट बनाना है। अब हमें जैसे स्टार्टिंग की थी यहाँ से सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी रो पूरा सीधा सीधा बनानी है और यहाँ से फिर हमें डिजाइन शुरू करना है। तो पहले हम दो फंदे ग्रीन बनाएंगे, दो फिर दो फंदे व्हाइट, ऐसे ही कलर चेंज करते हुए इस पूरे मैट को बनाना है। फ्रेंड्स पूरा मैट बनाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए मैंने एक कली में आपको पूरा डोर मैट बनाने का तरीका बताया है। तो देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस डोर मैट को बताने का तरीका बताया है। थैंक यू।